वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का ये जो वीडियो है उन सबके लिए है जिनका हमेशा ये डाउट रहता है कि सी सेक्शन कब किया जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत लोग पूछते हैं जिन्हें नहीं पता, जो अभी प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उन सबका यही डाउट रहता है कि डिलीवरी क्या होगा, नॉर्मल होगा या सी सेक्शन होगा। अगर नॉर्मल होगा तो कैसे होगा, या सी सेक्शन कब किया जाता है, कौन से प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं सबका ये डाउट रहता ही है। जब प्रेग्नेंट हम कंसीव करते हैं तो हमें भी नहीं पता होता, डॉक्टर्स को नहीं पता होता कि सी सेक्शन होगा या सी सेक्शन करने वाले हैं। तो वो डिपेंड करता है, कोई भी मेजर केस हो, कोई मेडिकल केस हो, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली केस हो, तो उसमें वो पहले से ही बता देते हैं कि आपको सी सेक्शन होगा या आपकी ये प्रॉब्लम है, आपको सी सेक्शन पे ही जाना पड़ेगा। तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जो नॉर्मल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आसानी से जो 1st से 9th मंथ तक जिसका आराम से निकल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उस केस में हमें पहले से भी नहीं पता रहता, डॉक्टर्स भी नहीं रेफर करते हमें कि सी सेक्शन के लिए। उसके बाद जब डिलीवरी डेट आ जाती है तब उस पोजीशन के हिसाब से कितना है या क्या, तो तभी हमें पता चलता है। तो वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मोटिवेट होंगे और बहुत ही अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो जल्दी से एक जगह ले लीजिए, जगह पकड़ लीजिए, अपने फ़ोन को पकड़ लीजिए 20-30 मिनट तक और पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि मैंने जो गलती की वो आप ना करें। तो मैंने अपने इसमें, अपने केस में दो मेजर गलतियां की जिसके कारण सी सेक्शन हुआ, और एक तो सी सेक्शन के पहले और जिससे मेरा सी सेक्शन हुआ, और सी सेक्शन के बाद मैंने एक गलती की, तो मैं वो अभी आपको बताऊँगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं स्टार्टिंग से बताऊँगी, प्रेगनेंसी कंसीव जब मैंने किया तब मेरा वेट था 61 या 62 कुछ था, 61 था मेरा वेट, और उसके बाद जब मैंने डिलीवरी के टाइम पर मेरा वेट था 79, तो काफ़ी वेट गेन किया मैंने। मेरा बेबी हुआ था 3.15 केजी का, जो ठीक है, अच्छा के अच्छा वेट है। 14 फेब को मेरी शादी हुई थी, जी हाँ, वैलेंटाइंस वाले दिन। तो हम वैलेंटाइंस डे और मैरिज डे दोनों एक ही दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं। कंसीव किया मई में, तो मई में कंसीव करने के बाद जो पहला प्रेगनेंसी था मेरा, वो एबॉर्शन हो गया था मेरा, वो अपने आप हो गया था। तो कहते हैं एबॉर्शन होने के बाद तुरंत बाद फिर हम कंसीव कर सकते हैं या बहुत जल्दी कंसीव हो जाते हैं, तो डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि बहुत जल्दी कंसीव हो जाते हैं। तो मई होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, थ्री मंथ्स के बाद मैं सितंबर में फिर मैंने कंसीव किया। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी अच्छी रही, बहुत ही हेल्दी रही, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस था, मतलब घर के कामों का थोड़ा सा वो था, लेकिन एक्टिव रहना तो अच्छी बात होती है प्रेगनेंसी में। तो मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे और मदर इन लॉ बाकी सब गांव में रहते थे, तो और बाकी कोई नहीं रहता, तो हम दोनों ही रहते थे। तो सारे घर के काम, दो इंसान के काम तो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन उस टाइम में वो ज़्यादा ही लगते हैं प्रेगनेंसी टाइम में। तो दो इंसानों के काम मैं खुद किया करती थी, घर के सारे काम, और 8th मंथ तक मैंने सारे काम खुद किए, और ये भी सोच के किया कि चलो नॉर्मल डिलीवरी होगा, अच्छी बात होगी। अगर मुझे थोड़ा कंफर्ट लगता था, जहाँ तक लगता था मैं करती थी, लेकिन जहाँ मुझे कंफर्टनेस नहीं फील होती थी वहाँ पे मैं नहीं कर पाती थी, और करना भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक वॉमिटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट 2.5 मंथ्स तक, उसके बाद से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद जो जर्नी था वो नॉर्मल चला, 5th मंथ तक मुझे वॉमिटिंग हुआ, उसके बाद फिर नॉर्मल था। तो जब 9th मंथ आया, 9th मंथ में मैं मम्मी के घर चली गई, वहाँ जाने के बाद फिर मेरी नई स्टोरी स्टार्ट हुई। एक दिन मैं वॉक पे गई थी, कुछ अराउंड 6:30 हो रहे थे। तो कहता है ना कि कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जिस भले वो ज़्यादा खाने की चीज़ हो या पानी हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज़ लिमिट क्रॉस करती है तो वो हमारे लिए डेंजरस ही होती है। तो मैंने सोचा कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उस दिन वॉक पे गई और कम से कम मैंने 1.5 आवर, कुछ 1 घंटे से ऊपर ही था, मैंने वॉक किया था। तो वॉक करते रही करते तो मुझे बहुत थकावट होने लगी, तो अब और नहीं चल सकती, तो मैं आ गई फिर अंदर। आने के बाद तुरंत मुझे वाटर ब्रेक स्टार्ट हो गया मेरा,
तो मुझे एक्चुअली तभी मेरी मम्मी कह रही थी कि चलो बेटा इतना वॉक नहीं करते हैं, चलिए चलिए अंदर चलिए। अंदर आई घर पे तो मैं बेड पे बैठी तो अचानक से मेरा वाटर ब्रेक हो गया। तो वाटर ब्रेक होने के कारण एकदम फ्लो के साथ वो एकदम स्टार्ट हो गया था। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ये तो कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, एक्चुअली ये है क्या। तो फर्स्ट टाइम था, उतना नॉलेज भी नहीं था, तो क्या हो रहा है ये कुछ भी पता ही नहीं चला। तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखिए क्या हो रहा है। तो मम्मी फिर डॉक्टर को फ़ोन की, फिर डॉक्टर ने बोला कि अर्जेंट आप हॉस्पिटल आ जाइए। तो फिर हम फिर हॉस्पिटल चले गए, और हॉस्पिटल जाने के बाद सब चेकअप हुआ, सब कुछ हुआ। तो फिर वहाँ पे स्टार्ट हुआ फिर मुझे नॉर्मल डिलीवरी का। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि आपको एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि ये वाटर ब्रेक हो चुका है, तो आप दोनों के लिए बहुत ही, बेबी के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ठीक है फिर अगर एडमिट करना है तो फिर चलिए, फिर अब कुछ कर नहीं सकते, तो एडमिट हो गए। फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया फिर मेरे हस्बैंड को कि अभी आज एडमिट करेंगे कह रहे हैं। तो वो शॉक हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि मेरा जो डेट था वो था जून 1st या 2nd कुछ था। तो उन्होंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, और मेरा बेटा मई 21st को पैदा हुआ था। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो कुछ 10 डेज कुछ और बाकी थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने, वो शॉक हो गए एकदम, तो अभी तो टाइम बाकी है। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, वाटर ब्रेक हो गया है, आप जल्दी से आ जाइए, तो मुझे यहाँ पे एडमिट करेंगे कह रहे हैं। तो वो पहले ही, मेरे हस्बैंड है ना, वो बहुत ज़्यादा ही एकदम शिवर हो जाते, क्योंकि उन्हें ब्लड और हॉस्पिटल ये सब चीज़ें देखकर उन्हें बहुत ही वो लगता है कि नहीं देख सकते। तो सेम मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी ब्लड वगैरह बिल्कुल नहीं दे सकती, मैं देखते ही मेरा एकदम चक्कर आने लगते हैं मुझे। दर्द वगैरह है तो चलो थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ता है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर ब्लड वगैरह ही, ये काटा पीटी जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है, ये बिल्कुल भी मुझसे देखा नहीं जाता और मेरे हस्बैंड से भी नहीं देखा जाता। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ, तो वो आ गए तुरंत, मेरी मम्मी थी। स्टार्ट हुआ फिर नॉर्मल डिलीवरी, उन्होंने इंजेक्शन पेन का, जो इंजेक्शन होता है लेबर पेन का, वो उन्होंने डाला। उसके बाद इंजेक्शन, पेन्स बहुत आए मुझे, पेन्स इतने पेन्स आए मुझे कि मैं वो दर्द बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना इतना दर्द था। नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि पहले आपको दर्द होगा, लेकिन बाद का लाइफ जो है आपका अच्छा होगा, आपकी हेल्दी, आपका हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन सी सेक्शन में ऐसा होता है कि पहले आपको दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपको चांद तारे दिख जाएंगे, इतना दर्द होता है। तो फिर पेन तो होता है भले ही वो नॉर्मल हो या डिलीवरी या फिर सी सेक्शन हो। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, हो नहीं रहा, क्योंकि वाटर सब मेरा निकल चुका था। तो वो थोड़ा बहुत जो वाटर था उससे जो बेबी है फोर्स लगा नहीं पा रहा था बाहर आने के लिए, और मैं भी बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा। ट्राई किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 3 बजे तक ट्राई किया उन्होंने, बहुत ट्राई किया सबने, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो फिर होगा नहीं, डेंजर है दोनों के लिए, सी सेक्शन करना ही पड़ेगा। मुझे वहाँ से शिफ्ट किया गया ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में जो होता है, सबसे पहले आँखों में आपकी एक पट्टी बांध दी जाती है सी सेक्शन में, और यहाँ से जो है ना टमी के ऊपर से कुछ ऐसे कवर कर दिया जाता है नीचे तक, ताकि हमें दिखाई ना दे। तो पट्टी तो बांध दिया था, लेकिन मैं चोरी चोरी उसमें से देख रही थी कि मुझे देखना है कि कैसा होता है, क्या होता है करके। तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता, मुझे ये था कि बस मुझे बेबी को देखना है निकलते साथ ही। फिर वहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो जो है ना टमी के नीचे से इंजेक्शन एक देते हैं, वो एकदम टमी के नीचे से पूरा बॉडी आपका सुन्न हो जाता है, तो लगता ही नहीं कि नीचे का पार्ट है भी। ऐसा लग रहा था कि ऐसे नीचे बस पेट में कुछ अजीब सा, एकदम कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ एकदम साउंड आ रहा था मुझे, मुझे बिल्कुल भी ये नहीं, मुझे महसूस नहीं हो रहा था, पेन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इंजेक्शन लगा चुके थे सुन्न होने का, तो बिल्कुल भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन जो साउंड है वो मैं सुन सकती थी। तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था कि मेरे पेट में अजीब सा हो रहा था कि कुछ तो काम चल रहा है वहाँ पे, ऐसा हो रहा था। तो जब हो गया, जब बेबी को निकाला गया, तो ऐसे पैर पकड़ के निकालते ना, वो उल्टा निकाला गया, तो वो रोया नहीं था। तो जैसे ही उसको मारा तो फिर वो रोने लगा। तो मैं, पट्टी बांधा था मेरा, तो मैं अंदर से देख रही थी, ऐसे चोरी चोरी देख रही थी कि हाँ मुझे दिख रहा है। मैंने देखा उस बेबी को, उन्होंने कहा कि आपका बेबी बॉय हुआ है आपका। तो आपका बेबी बॉय हुआ है, और तो मुझे
बहुत ही अच्छा लगा, सच बता रही हूँ। मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और तो अभी भी जब ये बात होती है, ये सारे सारा एक्सपीरियंस जो भी मैं सॉरी ओके जो भी अभी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, मदर बनने का एक्सपीरियंस। तो थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि कुछ भी कभी भी ये बात चली है, बच्चों के बाद, डिलीवरी के बाद, माँ बनने के बाद स्पेशली, तो कोई भी मदर इमोशनल हो जाती है। तो जब बेबी बॉय हुआ है आपका बोले तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बेबी बॉय के लिए नहीं, बेबी अच्छा हेल्दी हो गया है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे एकदम बस तब तो मैं एकदम बिल्कुल पेन वेन सब भूल चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है या इतना पेन होगा आगे, कुछ भी सब कुछ भूल चुकी थी मैं। तो बेबी को फिर लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे थे, ऑपरेशन थिएटर ऊपर था, तो नीचे लेके गए पेरेंट्स मेरे हस्बैंड के पास, और मेरी मदर थी और बाकी मेरे सिस्टर्स थे, तो उनके पास लेके गए। तो उन्होंने देखा, तो यहाँ पे एक ये हुआ ना कि मेरे जो हस्बैंड है वो, उन्हें चाहिए थी बेटी, और मेरा ये था कि बस बेटी या बेटा कुछ भी हो जाए, बस हेल्दी हो जाए। अपना जो अलग अलग ही होता है, अपना जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, बस उन्हें यही टेंशन रहता है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और बेबी को नीचे लेके गए तब बहुत ही सब लोग टेंशन में थे कि क्या हुआ क्या हुआ। मेरे मदर और मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ, कैसी है वो, सब कुछ ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबका फेस एकदम छोटा सा हो जाता है ना, एकदम एकदम टेंशन के मारे। बेबी को तो देखा, लेकिन मदर कैसी है, क्या हाल है उसका, तो फिर बहुत ही टेंशन हो रहा था। मेरे हस्बैंड तो, मैंने बताया ना कि मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी इन सब से बहुत ही दूर रहते हैं, कि कोई दर्द वगैरह हो या फिर कुछ भी, तो फिर बहुत दूर रहते हैं। तो सब देख लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं आने के बाद वो बहुत खुश हो गए। तो मेरे हस्बैंड को क्या था ना कि उन्होंने चाहिए थी बेटी। मेरा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, कुछ भी हो, अच्छे से हो जाए, हेल्दी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मेरा ये था। तो उन्होंने, सच उतारी, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा बेबी को। तो जैसे ही उन्होंने, उनसे कहा गया, नर्स ने कहा कि आपको बेटा हुआ है, तो उन्होंने देखा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें, उन्होंने पहले मुझे कह दिया कि मुझे बेटी चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना। फिर मैंने कहा आप, मेरे हाथ में थोड़ी ना है कि बेटा या बेटी, कुछ भी होगा, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। मैंने देखा, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा ऑपरेशन, और मैं जल्दी से अपने बेटे से मिल सकूं। तो ऑपरेशन होने के बाद जब स्टिचिंग की बारी आती है, जब स्टिच करते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि, और वो बहुत फास्ट भी करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं वो स्टिचिंग। तो उनका ये था कि जल्दी जल्दी करना है, और मेरा ये था कि बस जल्दी जल्दी मुझे निकलना है यहाँ से, अपने बेटे से मिलना है। तो फटाफट फिर उन्होंने स्टिचिंग करके फिर मुझे वहाँ से शिफ्ट कर दिया। तो सबने देख लिया बेबी को, सब एकदम बहुत हंस रहे थे। तो मेरे को, मैं एकदम बेहाल थी, मेरा हाल एकदम बेहाल ही था। तो मुझे ना थोड़ा थोड़ा पेन असर हो रहा था स्टार्टिंग, क्योंकि जो इंजेक्शन लगाया था उसका असर कम हो रहा था, तो पेन स्टार्ट मुझे पता चल रहा था कि पेन हो रहा है मुझे, और पेन थोड़ा सा दर्द वाला होता है और थोड़ा सा सहन करना पड़ता है, लेकिन बेबी को देख के सारे पेन सब कुछ हम भूल जाते हैं। तो मैं देख रही थी कि दर्द, और ज़्यादा बॉडी बिल्कुल भी नहीं है, बस हेड मूव कर सकते हैं, बॉडी तो मूव नहीं कर सकते। तो मैं ऐसे देख रही थी कि बगल में इस तरफ सारे लोग थे और सब बेटे को देख रहे थे। तो नर्स ने कहा कि बेटे को मदर के पास आप लिटाइए, तो उस झूले में उन्होंने डाला। तब मैंने दूर से ऐसे देखा, तो मुझे ऐसा था कि जल्दी से मैं देखूं मेरे बेबी को सब ठीक है, बॉडी पार्ट सब ठीक है कि नहीं, कैसा दिखता है, क्या है, कितने हेयर हैं उसके। तो मेरे दोनों बच्चों के हेयर बहुत ही ज़्यादा थे, बहुत ही अच्छे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि गंजापन, बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ही अच्छे हेयर्स थे। तो सब कहते थे कि तुम्हारे दोनों बच्चों के हेयर बहुत ही अच्छे आए हैं, क्या खाया तुमने। तो मेरा ये था प्रेगनेंसी पीरियड में, मैंने जब से, मैंने फर्स्ट स्पेशली बेबी बॉय जब मेरा पहला बच्चा हुआ, सच बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से मैंने एंडिंग तक मैंने कैरेट जूस खाया पिया है और पालक जूस पिया है। फ्रूट्स तो और नॉर्मली सब लोग खाते हैं, बाकी चीज़ भी सब लोग खाते हैं, एग्स मैंने ज़्यादा नहीं खाया, हफ्ते में 2 बार खाती थी बस। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मैंने बहुत केयर लिया था अपना, दूसरे में उतना नहीं ले पाई थी।
तो दोनों बच्चों के मेरे हेयर जो हैं बहुत ही अच्छे आए थे, सबने देख लिया। उसके बाद जब मेरे बगल में डाला, मैंने भी बहुत अच्छे से देखा, लेकिन जब तक अपनी गोदी में लेकर उसे घंटों निहारो नहीं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि उसे देखा है अपनी बेबी को, है ना। आपको आप लोगों के साथ भी होता होगा कि नहीं, यहाँ पे एक डालते हैं इंजेक्शन जिससे पूरा आपका ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह जो सब चलता है ना, तो वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है। और जब भी नर्स आती है, मैंने कहा नर्स आ गई, ओ माय गॉड, मम्मी नर्स आ रही है क्या, नर्स आ रही है क्या, बार बार पूछती थी मैं, क्योंकि बहुत पेन होता है वहाँ पे। ऑलरेडी एक पेन से हम गुजर रहे हैं, और एक और इंजेक्शन वगैरह का पेन, ग्लूकोज चढ़ाने का पेन, वो सब थोड़ा वो हो जाता है। लेकिन हमेशा जब भी नर्स आती थी, ओ गॉड क्यों आ गई है, बाप रे, मैं ऐसा सोचती थी आप इस दर्द से गुजरो, पेन सहन करो, ऐसा लगता था मुझे। तो मेरी मम्मी भी बहुत सफ़र हुई है सच में। तो जब आप मदर बन जाते हैं, उसके बाद तो सब कुछ आप सीख ही लेते हैं, और सीखना ही पड़ता है क्योंकि टाइम के साथ सब कुछ आ जाता है। तो फिर बेबी को हम वहाँ पे 5 दिन हम रहे थे, सी सेक्शन होने के बाद 5-6 दिन, कुछ एक हफ्ता रखते हैं, और डिपेंड्स करता है कि हमारी बॉडी ठीक है या फिर कितना जल्दी रिकवरी हो रहा है वो सब। तो फिर उसके बाद सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर हम वहाँ से घर आ गए। प्रेगनेंसी टाइम से लेकर डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद भी इंजेक्शंस लगते हैं। तो जब सी सेक्शन होता है तो वो थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, तो इंजेक्शन से तो मैं उतना डरी नहीं, डर था जब इंजेक्शन लगा था, मैं आँख ऐसे बंद कर लेती थी, लेकिन वो पेन तो बहुत ही कम है। तो डिलीवरी के बाद भी आपको इंजेक्शन लगते हैं सी सेक्शंस में, तो थोड़ा पेन, जो मैंने कहा ना यहाँ हाथ में लगाते हैं, तो वो थोड़ा पेन ज़्यादा होता है। तो उस समय ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं मत लगाओ या मुझे दर्द होगा या ऐसे कुछ नहीं, अरे लाओ जितना लाना है इंजेक्शन लगाओ, जो भी लगाओ, इतने बड़े पेन से गुजर गए तो ये क्या है फिर। तो तब स्ट्रांग हो जाते हैं एकदम एकदम, कि सब कुछ अच्छे से हो गया था। और आज ऐसा लगता है कि बच्चे, अब सेकंड प्रेगनेंसी, सेकंड बेबी भी मेरा हो गया है और बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि टाइम का, कि कितनी जल्दी टाइम गुजर गया है। जब पहले थे, जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं और मेरे हस्बैंड रहते थे, तो बिल्कुल टाइम पता ही नहीं चलता था कि क्या करूँ, एजुकेशन कर लूँ, क्योंकि मेरा डिग्री का भी, डिग्री के तुरंत बाद मैंने शादी कर ली थी, तो मुझे पढ़ाई की तरफ भी था कि मुझे पढ़ना है आगे, अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है, क्योंकि स्पेशली फॉर जॉब, नहीं कि जॉब करना है या फिर नहीं, कुछ एक इंटरेस्ट रहता है ना कि हाँ पढ़ाई कंटिन्यू करना है, कभी भी वो काम आता है हमें हमारी लाइफ में। तो ये था कि अगर कंसीव हो गई तो फिर क्या होगा, फिर मैं अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाऊँगी पढ़ाई पे। सी सेक्शन में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है अपना, सी सेक्शन होने के बाद बिल्कुल 6 मंथ्स तक बहुत अपना केयर लें, अपनी बेबी का भी केयर लें, और अपना जो हेल्थ है उसमें हमेशा हॉट वाटर पिए, बिल्कुल भी ठंडी चीज़ों से बहुत ही दूर रहें, हॉट वाटर पिए, अच्छा खाना वाना खाएं, बिल्कुल शुगर आइटम्स इन सब से बहुत ही दूर रहें, क्योंकि 6 महीने 1 साल तक आप अपना अच्छा ध्यान रखोगे तो आपको इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैंने अपने सी सेक्शन में दो मेजर जो है वो गलती की थी। एक तो था कि मैंने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया, कभी भी 8 मंथ के एंडिंग में और 9th मंथ में कभी भी ज़्यादा वॉकिंग नहीं करना चाहिए। 8 मंथ लग गया तो हल्का फुल्का वॉकिंग कर सकते हैं, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं, स्पेशली वॉकिंग तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जैसे मेरे केस में हुआ। तो बस इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अपना ध्यान रखिए, ज़्यादा वॉकिंग ना करें। और जो दूसरी बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मुझे हमेशा इसका पछतावा रहेगा लाइफ लॉन्ग, कि जब बेबी होता है प्रेगनेंसी, सॉरी डिलीवरी के बाद, तो सब लोग एक फ़ोटो लेते हैं ना, एकदम बेबी को ऐसे रख के फ़ोटो लेते हैं, या मदर ऐसी है बेबी के पास सब फ़ोटो लेते हैं, तो मेरा वो फ़ोटो नहीं है मेरे पास, न किसी ने लिया, न मुझे याद आया लेने के लिए। बेबी को देखकर सब लोग इतने खुश हो गए थे, याद ही नहीं था कि फ़ोटो भी लेना है, सेल्फी भी लेना है। बेबी के फ़ोटोज़ तो बहुत हैं, लेकिन मेरे साथ उस टाइम में जब मैं बेड पे थी, या फिर कैसे भी, उन अपने फ्रेंड्स जो भी है, फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव है, किसी का भी फ़ोटोज़ में देखती तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरे फ़ोटो ऐसा फ़ोटो नहीं है, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा फ़ोटो नहीं है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि काश मेरा भी फ़ोटो होता ऐसे, कोई तो खिंचा होता यार उस टाइम में, भले मैं तो, मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, या मैं उस पोजीशन में ही थी, मुझे कुछ याद हो या फिर कुछ भी है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो लिए होते। तो मुझे थोड़ा सा, थोड़ा नहीं है, बहुत दुख लगता है मुझे। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ज़रूर ज़रूर एक फ़ोटो तो होना चाहिए याद की, यादगार के लिए, अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए, उनके बच्चों को दिखाने के लिए। तो हमेशा मुझे ये खटकता ही रहता है कि क्या यार एक फ़ोटो होता, चलो फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं, कम से कम सेकेंड में तो होता, वो भी नहीं है।
तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ज़रूर कम से कम 10 पिक्स तो ले लेना, 10 तो पिक्स ले लो, उसमें एक तो अच्छा आएगा। तो अच्छे फिर हम उसे बाद में देखकर, वो मेमोरीज होता है ना एकदम के एकदम, बस उसी जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ वीडियो में, तो बिल्कुल एकदम पीछे चली गई मैं, एकदम अपने डिलीवरी टाइम में चली गई। बहुत इमोशनल हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये टाइम फिर नहीं आता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। और देखने में भी मैं हमेशा, मुझे यही लगता है, और अभी भी बोलती हूँ मैं हस्बैंड को, क्या एक फ़ोटो नहीं लिया आपने, एक भी नहीं, अपने आपको याद ही नहीं था। और फर्स्ट फर्स्ट तो चलो फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में भी मुझे याद नहीं था, सेकंड में भी थोड़ा मेरा अलग ही केस था। तो अपनी सेकंड प्रेगनेंसी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, उसका क्या हुआ, सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा नॉर्मल हुआ या सी सेक्शन हुआ, और सी सेक्शन के बाद क्या नॉर्मल हो सकता है। तो मेरा जो सेकंड डिलीवरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, अगर इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं सेकंड डिलीवरी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, या आपको थोड़े भी मोटिवेट हुए हों, या आपको अच्छा लगा हो, तो आज का वीडियो यहीं तक था। मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बनाकर। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आपके साथ, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का क्या था, नॉर्मल डिलीवरी हुआ या सी सेक्शन हुआ, अगर सी सेक्शन हुआ तो फिर क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसके पीछे। तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी स्टोरी सुनकर। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और टेक केयर। बाय बाय।